राजपूत के परिवार ने एक 9 पेज का लेटर लिखा है हिंदी में, और उसमें कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस वक्त कहने की थी। मैं वो लेटर आपको पढ़कर सुनाती हूँ। यह लेटर शुरू होता है फिराक जलालपुरी की एक शेर से। तू इधर उधर की ना बात किया कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस लेटर में लिखा गया है कि कुछ साल पहले की ही बात है, ना कोई सुशांत को जानता था, ना कोई सुशांत के परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं, और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला भी हो रहा है। टीवी अखबारों पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त, भाई, मामा अपनी अपनी हाँक रहे। ऐसे में बताना ज़रूरी हो गया था कि आखिर में सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमा कर खाने वाले लोग थे, उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे, उनकी परवरिश ठीक से हो इसलिए 90 के दशक में गांव से वो शहर आ गए, रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली, बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे तो कभी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो 2 हाथ पैर का आदमी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। पहली बेटी में जादू था, कोई आया और उसे परियों से देश ले गया। दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए खेली, तीसरी ने कानून की पढ़ाई की, तो चौथी ने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। 5वां सुशांत था ऐसा जिसके लिए सारी माएँ मन्नतें मांगती है। पूरी उम्र सुशांत के परिवार ने ना किसी से कुछ लिया, ना ही कभी किसी का हित किया। सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब माँ असमय चली गई। फैमिली मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई ये ना कहे कि माँ चली गई है और परिवार बिखर गया है, सो कुछ बड़ा किया जाए। सुशांत के सिनेमा में हीरो बनने की बात उसी दिन चली। अगले 8-10 साल में जो हुआ वो लोग सपनों में देखते हैं, लेकिन अब जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करे, अगर जो के वारिश हैं, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्यों परवाह हो। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिश मिलते हैं, दिव्य चक्षु से देखकर बता देते हैं कि ये तो जो हुआ ये ऐसे व्यवहारिक आदमी के साथ हुआ कि पीड़ित से कुछ मिलना नहीं, सुमुलजिम की तरफ ही हो लेते हैं। अंग्रेजों के एक और बड़े वारिश जो जालियांवाला फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया। होता रहता है, कोई बात नहीं, ऐसा करो 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिला। हथियारों को ढूंढने के बजाय रखवाले उनके मृत शरीर की फोटो प्रदर्शनी में लगाते हैं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा। इतने से भी मन नहीं भरा, उसके मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिश हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सुशांत के परिवार के सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते बीतते महंगे वकील और पीआर एजेंसी से लेस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने और मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगते हैं। सवाल सुशांत के निर्मम हत्या का है। सवाल ये है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अपने आप को एलाइट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग भरोसा करें। सुशांत के परिवार जिसमें 4 बहनें और 1 बूढ़ा बाप है, उसको सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है।
शशांक से उनके संबंधों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि अगले दिन उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने आप को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनत किशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लगे रहते हैं। ये बेहद भावुक चिट्ठी लिखी है शशांक के परिवार ने। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का आलम इस समय है, मुझे नहीं लगता कि इस बात को कोई समझेगा। वो लोग जिनको विरासत में सत्ता मिल जाती है, जिनको किसी का दिया मिल जाता है, उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हो पाएगा कि खुद के बल पर, खुद की मेहनत पर, अपने दम पर, अपने हाथों पर विश्वास करके और अपनी मेहनत पर विश्वास करके जब कोई कुछ हासिल करता है और उसके चेहरे पर जो चमक होती है, जो चमक शशांक के ललाट पर थी, शशांक की आंखों में देखी है, उस चमक का कोई मुकाबला नहीं होगा। आप किसी को लूट सकते हैं, ठग सकते हैं, लालच के वश में आकर गलत तरीकों से उनका धन हड़प सकते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत लेकर कहाँ जाइएगा? क्योंकि उसकी हिम्मत उसे कहाँ तक लेके गई थी? एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से कहाँ तक ले गई थी? आप उसे कहाँ लेकर जाइएगा? जिनको विरासत में सत्ता मिल जाती है उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी। जिन्हें सरनेम के सहारे सफलता मिल जाती है उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी। वो इस दर्द को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद उन लोगों को जवाब ज़रूर मिला होगा जो बार बार तरह तरह के सवाल उस परिवार पर उठा रहे हैं जो इस वक्त बहुत दिक्कतों से गुजर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर थोड़ी सी इंसानियत समाज के पास बची हो तो वो उनका दर्द समझे, क्योंकि बहुत कुछ है जो धन से बढ़कर होता है, सत्ता से बढ़कर होता है। और जो इंसान है वो उस दिन मर जाता है जिस दिन उसके अंदर की इंसानियत मर जाती है। तो और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।